और आज की इस अहम प्रेस वार्ता में कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, आज की इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल की सहमति से पापी आपका एमएलए भी है, गैंगस्टर भी है, पापी आप, गुंडा पार्टी आप, इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर, जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा? और आज की इस प्रेस वार्ता में जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालिया पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूलने हैं। और साठगांठ देखिए, ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है, अंदर डर भी है। कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं, पकड़े ना जाएं। लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस में। और अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी मदिरा घोटाला करें, कभी आप एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएं। और ये अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक तथ्य मैं आपके समक्ष और रख दूं। कुछ समय पहले एक और ऑडियो नरेश वालिया पापी आपके एमएलए का सामने आया था, जिसमें इसी तरह से वो एक्सटॉर्शन वसूली कर रहे थे। और ये दूसरी बार है, मतलब ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं।